छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वस्थ और सुरक्षित रहने के उद्देश्य से फाइलेरिया मुक्ति अभियान का शुभारंभ दुर्ग में किया गया। इस अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथियों ने स्कूली छात्र छात्राओं को सुरक्षित रहने की जानकारी दी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में फाइलेरिया से मुक्ति को लेकर गुरुवार को अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर दुर्ग के मल्टीपर्पज स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में फाइलेरिया से बचाव के लिए दवाओं का किस तरह सेवन करना चाहिए इसका उपाय बताया गया। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को फाइलेरिया की दवा का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकरीवाल सहित संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की यह मंशा रही है कि हमारे प्रदेश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि समय समय पर हम उन दवाओं का सेवन करें जिससे हम संक्रमण होने से बच सके, संक्रामक बीमारी से हम बच सके। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी किसी कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से संपादित कर सकेंगे। सरकार ने यह ठाना है कि प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त किया जाए, जिसके तहत 10 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक उन्होंने सरकार ने पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया है और ये दवाओं का निःशुल्क वितरण जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं और 20 साल से ऊपर के नौजवान हैं उनको ये दवाई का सेवन किया जाएगा ताकि वो फाइलेरिया जैसी बीमारी से बच सके। फाइलेरिया बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती होती है इस बात की भी जानकारी आज हमने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दी है। बहुत ही अच्छा प्रयास जागरूकता अभियान फाइलेरिया मुक्त हमारे अस्पताल प्रबंधन द्वारा चलाया जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हो और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शहरी जन स्वास्थ्य योजना हो, चाहे जैविक दवाई दुकान हो और ऐसे छोटे छोटे अभियान जागरूकता अभियान रोज हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य सबका साफ है कि हमारा ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और हमारे आने वाली जनरेशन हमेशा स्वस्थ रहे। फाइलेरिया बहुत ही गंभीर बीमारी है, धीरे धीरे ही अपना पैर हमारे जिले में पसार रही है और ये अभियान इससे बचने के लिए चलाया जा रहा है। हम सबको इस दवाई का सेवन करना है। जैसे पंजारे जी ने बताया कि पहले हमको खुद को सेवन करना है, हम लोग ये सेवन करेंगे उसके बाद आप सेवन करेंगे। हमारे प्रिंट मीडिया के साथियों से भी मेरा निवेदन है कि इसका प्रचार प्रसार व्यापक पैमाने पर, क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्रचार प्रसार करेंगे, जितने ज़्यादा इस दवाई का हम लोग सेवन करेंगे, उतना हमारा ध्रुव जिला ध्रुव शहर फाइलेरिया मुक्त होगा। ये बहुत अच्छा अभियान है, प्रयास स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से कर रहे हैं। साथियों से मैं बार बार निवेदन करूँगा कि इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा करें, क्योंकि ये ध्रुव जिले में 5 जिलों में ये अभियान चल रहा है। यहाँ नेगेटिव बाकी जगह पूरे प्रदेश में फाइलेरिया मुक्त धीरे धीरे हो गया है। हमारा प्रयास सबका ये रहना चाहिए कि ध्रुव भी फाइलेरिया मुक्त हो। सभी बच्चों से भी निवेदन है, जाके अपने माता पिता को, अपने दोस्त यार को, अपने परिजनों को बताएं कि फाइलेरिया मुक्त अभियान चल रहा है। निःशुल्क दवाई प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, हमारा काम है इसका सेवन करना। जो सावधानियाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो बताई जा रही है कि इनके को नहीं लेना है, उस सावधानियों को छोड़ के बाकी सभी को इसको लेना है। मैं बहुत बहुत बधाई हमारे स्वास्थ्य विभाग को देना चाहूँगा और 10 दिन का यह अभियान है, इस 10 दिन में हमको पूरे जिले में फाइलेरिया की दवाई वितरण करना है। इसके साथ क्लिनिक की दवाई है, इन 2 दवाइयाँ हैं, दोनों दवाइयों को हमको एक साथ लेना है। मैं पढ़ रहा था, मैं पुनः स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को, नायर मैडम को एक अच्छा आयोजन यहाँ पे किया गया और हम लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया। मैं
इस मौके पर फाइलेरिया मुक्त अभियान के तहत शहर विधायक महापौर सीएमओ डॉक्टरों व प्राचार्य और स्कूली बच्चों के साथ फाइलेरिया की दवा का सेवन किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा स्कूली बच्चों को फाइलेरिया से बचाव की दवा के फायदे बताकर उन्हें बीमारी से बचाव के लिए दवा सेवन करना बताया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।